Good afternoon and welcome to my channel Desi Musafir. This is Sachin Gidnawar here from Erlangen, Germany. So, जैसे मैंने पहले बताया था कि आगे के सारे videos मैं जर्मनी से बनाऊंगा, तो माफ कर देना, मैं एक हफ्ता हुआ मैं यहाँ आके थोड़ा settle हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा देरी हो गया ये next video बनाने में, but nevertheless यहाँ मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंड है यहाँ, 2 से 5 degrees के बीच में है ठंड जर्मनी में, तो आज बहुत ही बढ़िया दिन है, तो मैं सोचा कि ये एक जैसे मैंने प्रॉमिस किया था ये वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो आज का टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है. तो फर्स्ट पॉइंट, तो पहले चीज़ आपको करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वो एक सीक्वेंस में आपको लगा के अपने फाइल में रखना है. तो कौन से डॉक्यूमेंट्स, वो है बेसिकली आपका रेज्यूमे, एक या दो फोटोग्राफ रख लीजिए, नॉर्मली क्या होता है, वो एक इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं तो उसमें एक फ़ोटो लग जाता है, कभी रिज्यूमे के साथ एक फ़ोटो देना पड़ता है, तो कम से कम 2 फोटोग्राफ आप रखिए. आपके सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स, मतलब आपके सारे मार्कशीट्स, जैसे 10th हो, 12th हो, आपके ग्रेजुएशन के हर साल के मार्कशीट्स और डिग्री, वो सारे ओरिजिनल और उसके एक एक कॉपी भी आप रख लीजिए. तो ये रहा डॉक्यूमेंट्स. उसके अलावा आपको बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, या कॉपी ऑफ आपका पासपोर्ट हो, फर्स्ट एंड लास्ट पेज, तो वो भी आप कॉपीज़ अपने पास रखिए. कुछ कंपनीज़ स्टार्टिंग में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, या हो सकता है कि इंटरव्यू होने के बाद अगर उन्होंने उसी वक्त डिसीजन लिया तो हो सकता है कि वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे. जो फ्रेशर्स है उनके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी है, बट जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, मेरे दोस्त है, वो अपने करंट कंपनी के लास्ट 3 months के, 3 महीने के सैलरी स्लिप्स और लास्ट अपॉइंटमेंट लेटर या रिविजन लेटर, आप उसके ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी आप ज़रूर लेके जाए. तो जैसे मैंने कहा कि कुछ कंपनीज ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं स्टार्टिंग में. तो ये रहा डॉक्यूमेंटेशन. दूसरा है सबसे इम्पॉर्टेंट, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन. तो जो कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाने वाले हो, तो वो कंपनी के बारे में आप गूगल करिए, वो कंपनी क्या बनाती है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, वो कहाँ कहाँ उनके प्लांट्स है, कहाँ कहाँ उनके ऑफिसेज है, उनके मार्केट्स कहाँ कहाँ हैं, या जैसे इंडिया में जो वेस्ट में बेचते हैं, या पूरे इंडिया में उनका सप्लाई होता है, या इंटरनेशनल सप्लाई होता है, तो उसके बारे में सारे जानिए आप. उनका टर्नओवर क्या है, अगर लिमिटेड कंपनी है तो ऑनलाइन आप कंपनीज़ के बैलेंस शीट्स भी देख सकते हो, तो उसी से आपको पता चलता है कि कितने उनका टर्नओवर क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और कितने लोग काम करते हैं उनके लिए, उनके कस्टमर्स कौन से हैं, सप्लायर्स कौन हैं, तो उन सब के बारे में आपको उनके वेबसाइट से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंटरव्यू में भी आपको हो सकता है कुछ एचआर बंदे आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो. तो सिर्फ अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, बट वो ज़रूरी है,
बट उसके अलावा कंपनी के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो ये सेकेंड पॉइंट आप नोट करिए, और कंपनी के बारे में जितना रिसर्च कर सकते हैं वो रिसर्च कीजिए। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे लिंक्डइन है या फेसबुक है, वहाँ आप विजिट कीजिए, और कंपनी के बारे में जितना आप इन्फॉर्मेशन बटोर सकते हो उतना बटोरिए। ये रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट कि हो सकता है ये कंपनी जहां आप काम करने जा रहे हो या सॉरी आप इंटरव्यू करने जा रहे हो वो शहर से दूर है या एक इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो पहले ही गूगल मारिए, देखिए ट्रैफिक कंडीशंस कैसे हैं, और उसी हिसाब से आप घर से निकलिए, ताकि आप इंटरव्यू टाइम से मेरे हिसाब से कम आधा घंटा पहले आप उधर पहुंच जाइए। अगर आप हो सकता है अगर ट्रैफिक में अटक गए या आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है आपका टाइम बहुत वेस्ट हो, आप टाइम पे ना पहुँचे। तो इसीलिए पहले से ही गूगल मार के, गूगल मैप्स के द्वारा आप जान लीजिए कि वो कंपनी कितनी दूर है और आपको कितना टाइम लगने वाला है। हो सकता है कि आप दूसरे शहर जा रहे हैं ये इंटरव्यू देने, तो वहाँ किसी लोकल जैसे टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, उनसे जान के ये पता कर लीजिए कि आपका उस जगह जाने के लिए कितना वक्त लगता है। तो ये रहे तीन पॉइंट सबसे मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ये तीन पॉइंट पे आप कंसंट्रेट कीजिए, और मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट जो लोग इंटरव्यू अभी फ्यूचर में देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए। तो इसी तरह से मैं आगे आपके लिए वीडियोस लेते आता रहूँगा फ्रॉम जर्मनी। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय।